सिद्धार्थनगर जिले के जोगिया थाना क्षेत्र के ककरही पुल के पास एक सड़क हादसा हुआ। यह सड़क हादसा सड़क पर खड़ी एक कार सवार द्वारा अचानक कार का दरवाजा खोलने और तेज रफ्तार बाइक के दरवाजे से टकराने से हुआ, जिसमें बाइक सवार दो सफाई कर्मचारी अशोक कुमार व लाला जी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें जिले के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में लाया, जहां पर डॉक्टरों ने सफाई कर्मी अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद नाराज सफाई कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के रोड को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। जाम की घटना सुनकर मौके पर पहुंचे सदर SDM व अन्य अधिकारी, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने रास्ता नहीं खोला। मामले में इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर ने सफाई कर्मचारी की मौत के मामले की पुष्टि की और घायल सफाई कर्मचारी की स्थिति के बारे में भी बताया। इसके अलावा सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने विभागीय मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी पर आरोप लगाया कि बिना किसी लिखित आदेश के उन्हें कपिलवस्तु महोत्सव ड्यूटी पर लगाया गया। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सर, दो घायल आए थे, उनका क्या नाम है, कहां रहने वाले, स्थिति क्या? एक अशोक कुमार थे जो काफी सीरियस थे, उनको गंभीर चोटें थी, हेड इंजरी था और वो आधे घंटे बाद हमारे वहाँ एक्सपायर हो गए। दूसरे की हालत ठीक है, वो भर्ती हैं, नॉर्मल हैं वो। उनका लालजी नाम है, 49 साल उम्र है उनकी। रहने वाले ये हैं ग्राम बेदिहवा। इसमें हालत कैसी बताएं? इनकी हालत स्थिर है। क्या नाम है, क्या मामला, दरवाजा खोल दिया? मामला यह है, कपिल महोत्सव में आज हमारे मिठवल ब्लॉक के सफाई कर्मचारी अशोक कुमार का और लाल जी गौतम का, दोनों लोगों का ड्यूटी लगाया गया था बिना लिखित रूप से। ADO पंचायत के द्वारा व्हाट्सएप पे डाला गया, कहा गया कि DPR साहब का सख्त आदेश है कि यहाँ पर सब लोग पहुँचे और जो नहीं पहुँचेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाएगा। उसी मामले को लेकर मेरा कर्मचारी आनंद फानन में ड्यूटी आ रहा था, जो ककरही पुल के पास में एक्सीडेंट हो गया और रास्ते में जैसे अस्पताल में मेरा कर्मचारी पहुँचा अशोक कुमार, वो इस्पार कर गया। मैं आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारे सफाई कर्मचारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस रोड पे भारी आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। बिना जिम्मेदारी का, बिना लिखित रूप का हमारे सफाई कर्मचारियों का ड्यूटी लगाया जाता है, चाहे साड़ खदेड़ना हो, चाहे गाय हाँकना हो, हमारे कर्मचारी का एक्सीडेंट हो जाता, पैर टूट जाता, लेकिन कोई शासन प्रशासन के लोग सुध लेने वाले नहीं है, बस व्हाट्सएप पे बिना लिखित रूप से ड्यूटी लगा देते हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी हम जिला पंचायत अधिकारी महोदय के पास फोन लगाए, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और हमारे जो सहायक विकास अधिकारी पंचायत मिठवल के हैं, जिनके द्वारा ड्यूटी लगाया गया, वो भी अभी इस मौके पर नहीं पहुँचे, बड़ी दुख की बात है। चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी को न्याय मिले, नहीं तो हम लोग भारी पैमाने पर धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे।